ونستغفره राती देवा हारी उल्टे आजा
आगे खानदान से पत्थर लगाएंगे। जरा सोचें, पिंड में शादी हो जागीरदार की किसी जनाबे वाला बड़े बंदे की, तो हमारे देहातों में तो अब तक ये रिवाज चल रहा है कि बकायदा तौर पे एक औरत आती है, बुलाती है कि आओ देखो चौधरी साहब ने अपनी बेटी को क्या क्या दिया है। अब वो जो बेटियां देखने आती है ना, उनमें उस बूढ़े मजदूर की बेटी भी होती है जो आगे देखती है और रोती है और आपको पता नहीं है। और भाई जो तुझे देना है वो तो तू अपनी खुशामद के लिए करवा रहा है। तंदूरों में तेरी बातें होने लगी, गलियों में चौकों चौरस्तों में तेरी बातें होने लगी, लेकिन तूने ये सोचा भी है कि मछलियों को तो बुला के कर रहा है, खा रहा है, जो कचो के उनके दिल में चुभे के उनका मजावा कौन करेगा। दिया तो अपनी बेटी को, तो ये पर्दे में भी तो दे सकता था। इन चीजों में हमें कभी इस्लाम का ख्याल नहीं आया, हमने क्योंकि उसमें हमारी अपनी एक रेपुटेशन होती है, हमारा अपना एक जमाने के सामने हाल होता है कि हम लोगों को दिखाएं कि हम बड़े चीज हैं। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, कायनात का ताजदार हो और बेटी की शादी कर रहा हो, जरा वो हिसाब भी पढ़ के देखो कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए कौन कौन सी नियमतों को अता फरमाया था। देखिए तो सही, पढ़े तो सही। और यार जो आंखें बंद करें और चाहे कि यहूदियों ने बसूरत शरारत ही शादी में बुलाया है और हुजूर की बेटी फातिमा के पास कपड़े भी नहीं है, किस मुंह के साथ शादी में जाएगी। अल्लाह अकबर, रब को ये गवारा नहीं। परवरदिगार फरमाता है तू बेटी मेरे मोहम्मद की है, ये कैसे हो सकता है कि मैं तुझे पीछे छोड़ दूं। जन्नत से भी जोड़ा भेजा गया तो भेजूंगा, लेकिन तुम्हारी इज्जत और इज्जत में कभी कमी नहीं आने दूंगा। और फिर देखिए वो रब हम पे कैसे करम फरमाता है। और ये पक्की और ठकी बात है, जिस वक्त उस बूढ़े को कोई कबूल ही ना करता और वापस आता है, तो जिस वक्त दरवाजा खोलता है तो बेटी देख के ये नहीं कहती कि अब्बा काम नहीं मिला, क्या वजह है, क्यों नहीं गए। बेटी फिर बिस्मिल्लाह करके वो टिफिन पकड़ दी और कहती अब्बा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही। जिनका रोजगार का जिम्मा परवरदिगार ने लिया हो वो भूखे नहीं मरते। अब्बा मैं कल भी तुझसे राजी थी, अब्बा मैं आज भी तुझसे राजी हूँ। और यहाँ पे अगर मैं एक और बात को दाखिल करूँ, तो आपको पता नहीं है बारगाह गौसे आजम, शहर गौसे आजम में एक मरतबा एक महफिल हुई थी, आपको याद है कि नहीं याद। शहर गौसे आजम में एक इजलास हुआ, एक महफिल हुई, और उस महफिल का एजेंडा ये था कि इसमें कोई माड़ा पता नहीं आ सकता, सारे तगड़े आएंगे। तो करीब गांव में एक ज़ईफ़ उम्र बीबी थी, वो कहने लगी कि बेटा जिद ना कर। बेटी ने जिद की कि अम्मा हम भी चलते हैं पीरों के पीर को देखने के लिए, आज उस महफिल में सैयद अब्दुल कादर जिनानी आ रहे हैं, तो अम्मा आज हम भी चलेंगे उनको देखने के लिए। लेकिन सुनिए ये मेरी पुकार, जिस वक्त ये वहां पे गए, वहां पे पहुंचे, तो लोगों ने धक्के मार के निकाल दिया और कहा ये गया कि आप वापस चले जाएं, यहां पे गरीबों की महफिल है, ये तो अमीरों की महफिल है, यहां पे तो शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया है। और फिर हुआ क्या था, खुदा की इज्जत की कसम, माँ और बेटी घर आ गई और सिर के नीचे से गौसे आजम को पुकारा और कहा बेटी कोई बात नहीं, करनी उन्होंने भी महफिल है, करनी हमने भी महफिल है, आज देखते हैं पीर तगड़ों के हैं या पीर माड़ों के हैं। तो बेटी घर में बैठ के तिलावत करती है और जनाबे वाला नाच पढ़ी जाती है, और पढ़ने के बाद माँ हाथ उठाती है, वो कुर्बान जाए उस माँ के हाथ उठाने पे, और माँ का तो हाथ तो है 100 वली अगर बंदे के बारे में ये कह दे कि परवरदिगार इसका भला नहीं होना चाहिए, और अकेली माँ ये कह दे कि परवरदिगार इसका भला हो जाए, तो रब कहता है बलियो तुम मेरी बारगाह में मकबूल जरूर हो, लेकिन तरजीह मैंने माँ की दुआ को दी है। तरजीह मैंने माँ की दुआ को दी है। ईमानदारी से बताएं, मेरे महबूब ने ये फरमान दे कि मुझे मेरी माँ बुलाए और मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हो जाऊँ। आप सोचे तो सही, जिस वक्त बगदाद की इस्माइल ने हुजूर गौसे आजम को बुलाया होगा तो वो कैसा मर्तबा और मकाम होगा। मैं ये कहा करता हूँ आज दीन की जुबान से कि वो माई तड़पी होगी और उन्होंने ये कहा होगा सुना फरियाद।
पहले बात कहो तो दुरुस्त होगा। ऐसा नहीं है कि उनकी रहमत आज हम पे बरस रही है, नहीं। तसव्वुर आगे कहता हूं, अल्लाह के घर में जाएंगे उनकी रहमत आज भी बरसती है। हमारे पास वो सलीका और ढंग नहीं है कि हम उससे मांगे तो कैसे मांगे, हम कैसे मांगे। वो एक वली थे, उनका नाम था हजरत बहलोल दाना। आप सुनते होंगे उनकी बातें और मैंने उनको कसरत से पढ़ा है। ये बड़े अजीब, अल्लाह ताला ने इनको शान बख्शी हुई थी। ये पहली तो बात कि बोला बड़ा कम करते थे, लेकिन जब बोलते थे तो सुथरा बोलते थे। इनमें ये बड़ी खासियत थी। ये एक दिन दरिया के किनारे आराम फरमा रहे हैं तो बादशाह करीम से गुजरा। अब बादशाह का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, बादशाह के वजीर मशीर इनके जनाबे वाला आगे पीछे चलने वाले, प्रोटोकॉल होता है बादशाह का। तो एक ने छतरी उठाई हुई, आगे बादशाह चल रहा है तो वो चलता चलता क्या देखता है, हजरत बहलोल दरिया के किनारे में सो रहे हैं रेत के ढेर पे। वो अल्लाह का वली आराम कर रहा है, सो रहा है। अब वो बादशाह करीब आया, आगे कहता है बहलोल ये बताओ जिंदगी कैसे गुजर रही है। आप बोल सकते हैं तो बोलो सुभान अल्लाह। ये जो वली होते हैं ना वली, मैंने अक्सर ये बात की, इनका बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा वखरा ही होता है। सुभान अल्लाह। हर बात इनकी अजीब होती है और इनमें खसूसियत ये होती है कि इनके चेहरे को देख के अल्लाह याद आ गया है। सुभान अल्लाह। आज तो राब ये भी एक नई मार्केट बन चुकी है ना, पर मौजू ये नहीं। बादशाह कहने लगा कि बहलोल कैसे गुजर रही है। हजरत बहलोल उठे, मट्टी से अपने हाथ साफ किए, चेहरा साफ किया, साफ करने के बाद कहते हैं कुछ तो तेरे जैसे गुजर रही है। सुभान अल्लाह। जी बोले सुभान अल्लाह। फरमाया बादशाह कुछ तेरे जैसे गुजर रही है और कुछ तुझ से भी अच्छी गुजर रही है। सुभान अल्लाह। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, ये बात सुनिए, ओ भाई तू मट्टी के ढेर पे है और मेरी जो सेज है ना जहाँ पे मैं सोता हूँ उसका सानी भी कोई नहीं है और मेरे जैसे कैसे गुजर रही है। वो कहने लगे सुनो बादशाह, तुझे तेरा नाज नेम मुबारक, हमें हमारा नाज मुबारक। तुम्हें तुम्हारा प्रोटोकॉल मुबारक, हमें हमारा प्रोटोकॉल मुबारक। वो कहने लगा बात को बताओ तो सही। कहने लगा बादशाह जब कोई सो जाता है ना रात को तो तू पलंग पे सोता है, मैं मट्टी के ढेर पे सोता हूँ। सोने के बाद तुझे भी नहीं पता होता मैं कहाँ हूँ, खबर मुझे भी नहीं होती मैं कहाँ हूँ। उस वक्त हम एक जैसे होते हैं और जिस वक्त तू सोता रहता है रात के अंधेरे में अल्लाह मुझे तौफीक देता है, मैं उठ के उस दरबार का मैं सजदा करता हूँ, वो लम्हे मुझसे मुझे तेरे से ज्यादा अफजलियत वाले महसूस होते हैं, इसलिए मैंने कहा कि तेरे से ज्यादा अच्छा जी रहा हूँ, तेरे से ज्यादा अच्छा जी रहा हूँ। और ये इनकी बड़ा अक्सरियत से उलमा फरमाते हैं कि इनको जब बंदा पढ़ने बैठा है ना, इनको पढ़ने वाला बंदा सूफी बन जाता है। इनको जो सिर्फ पढ़ता है वो सूफी बन जाता है। तसव्वुफ का इस कदर जनाबे वाला ये पहाड़ थे कि इनको किसी ने कहा कि बहलोल तो ये बता कयामत वाले दिन अल्लाह के सामने पेश कैसे होगा, तो आप मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे, कहने लगे अकल के अंधे तुझे खौफ तो है कि कैसे बात करनी, इस बात की खुशी नहीं कि यार के सामने खड़ा होना है। तू कैसी बातें करता है, कब्रिस्तान में आप बैठे थे बादशाह का गुजर हुआ। कहने लगा बादशाह जी, बादशाह कहने लगा कि बहलोल आओ शहर को चले, तो आप कब्रिस्तान में बैठे अपने मामलात में मसरूफ थे, तो कहा कि बहलोल आओ शहर को चले, तुम्हें शहर की रंग रलियां दिखाऊं, बाजार दिखाऊं, वहां के जनाब खुशगवार माहौल थे, तुमको भी लुत्फंदोज करूं, आओ मेरे साथ। तो आप मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हो, कहते हैं कि बादशाह के कमरों को देख रहा है। सुभान अल्लाह। कहने लगा देख रहा हूं। तो मुस्कुरा के कहते हैं शहर वाले सारे किधर आ रहे हैं, हमने शहर जाके क्या करना। सुभान अल्लाह। शहर वाले सारे किधर आ रहे हैं, हमने शहर जाके क्या करना है। इन बातों की हर हर बात में अल्लाह करीम ने एक खास बरकत और एक खास रहमत रखी हुई होती है। गिरामी कदर मौजू के मुताबिक हम मौजू की तरफ बढ़ते हैं, वक्त काफी गुजर गया। आज ये जो दिन जा रहा है और कल को जो दिन आ रहा है, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किस अंदाज से देखना चाहिए। हालांकि गुजार तो हम रहे हैं,
हमारे एतबार से इस्लामी साल मुहर्रम हराम है, लेकिन कुछ तकाजे हैं इस साल के भी, वो क्या है? हमने ये सोचना है, ये देखना है कि हमने इसमें पाया क्या है, हमने इसमें खोया क्या है, जो पाया है उस पे रब का शुक्र अदा करना है और जो खोया है उसको रब के सुपुर्द करना है कि परवरदिगार जिस रंग में तू राजी है हम तेरी रजा के साथ राजी है, जिस रंग के साथ तू राजी है हम तेरी रजा के साथ राजी है। और यहाँ पर मैं एक और बात करूँ तो दुरुस्त होगा, अपनी परेशानियों को सजदों के साथ सजाते हुए रब की बारगाह में ये दुआ करना कि या अल्लाह ये जो अब आने वाला साल है हमारे लिए रहमत और बरकत वाला बनाना। ये मैं आपको बड़ा ही एक खास नुक्ता है कि बिल्कुल हम इस चीज के कायल हैं कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा साल मुहर्रम से शुरू है, लेकिन क्या हम इस माहौल में जी भी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? जी रहे हैं ना। तो बजाय कोई नेगेटिव चीज उसको हम लेने की, हम पॉजिटिव चीज नहीं ले सकते? सुभान अल्लाह, कह रहे हैं आपको लेनी चाहिए। क्यों? अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस। और भाई जब कोई नेमत तुम्हारे पास आए तो अल्लाह की जानिब अल्लाह की तरफ होके उसका शुक्र अदा किया करो और कहा करो परवरदिगार हम अपने कल पे भी राजी हैं, हम अपने आज पे भी राजी हैं और आने वाले वक्त में भी हम तेरी रजा पे राजी ही रहेंगे। तुम्हें बताएं, इंसान बेहतरीन जरिया है इस मुआशरे में, चलने फिरना उठना बैठना गुफ्तगू करना खाना पीना हर चीज है। अब मुझे बताएं, वो रब है, वो फरमाता है कि हमने इंसान को हसीन बनाया, इंसान को हसीन बनाया, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन। ये पूरी सूरह को पढ़ा जाए तो इसमें एक आयत की आती है कि हमने इंसान को हसीन बनाया। मुझे बताएं, वो रब है ना, कादिर है ना, अगर वो बंदे का मुंह बंदे के घुटने वाली जगह पे लगा दे और घुटना बंदे के मुंह वाली जगह पे लगा, हम कुछ कर सकते हैं? बताएं, कुछ कर सकते हैं? वो रब का फैसला है ना भाई, और रब होके जिस कदर मोहब्बत वो हमारे साथ फरमा रहा है, आपने कभी सोचा है कि ये कितनी अजीम नेमत है जो रब हमें अता फरमा रहा है? कभी सोचा है हमने? कसम खुदा की, उसके जलाल की, अल्लाह के घर बैठ के ये बात कर रहा हूँ, तुम सारी जिंदगी शुक्र बजा लाते रहो, शुक्र नहीं बजा ला सकते परवरदिगार की एक नेमत का, और हम तो नेमतों से है ही माला माल। वो अपने बंदे को बुला कैसे बुलाता है? या अय्युहल इंसान, ए इंसान, आमनो ए ईमान वालो, ए मेरे बंदो, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मेरी तरफ आकर तो देखो। यहाँ पे अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली फरमाते हैं, कहते हैं सुनो लोगों, तुम्हारे जहन में कोई और बात हो तो हम उसकी, वो ये नहीं कहते कि वो क्या है, वो तुम्हारा अपना जहन है, अपना ख्याल है, लेकिन जरा सोचो कि इतनी बड़ी जात तुमको ईमान वाला कह रही है, इतनी बड़ी जात तुमको ईमान वाला कह रही है, अपने नसीबों पे मान रही है।